तो अभी धीरे धीरे मेले में जो सब चीज़ें मिलती है और जो ग्रामीण संस्कृति है उस हिसाब से मेले में सब तैयारियां हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कहीं खिलौने वाले, कहीं कपड़े वाले, कहीं नाश्ते वाले, सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। और आज हमारे यहाँ जो भी मेहमान आएंगे वो भगवान के मेहमान होते हैं, इसलिए गांव के सभी लोग उनको बहुत ही अच्छी तरह से उनको रखते हैं और उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो आज के मेहमान हैं वो नकलंग भगवान के यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो मतलब कि भगवान के मेहमान हैं। तो इस हिसाब से सब हमने तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी ग्रामीण जीवन में जो खटिया बोलते हैं जिसको, तो वो हमने और उसके ऊपर ये बिछा के एकदम अच्छे से तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं। हाय दर्शील, कैसा है और क्या क्या लिया तूने? क्या लिया मुझे दिखा तो सही, कहाँ से लिया, कहाँ से, और क्या करेगा आज, तू क्या करने वाला है पूरे दिन? होली खेलने वाला है और क्या, जोर से बोल। और मुझे दिखा तो सही तेरा खिलौना कैसा है, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? श्रद्धा सिवाय बात है, श्रद्धा एवं विषय है कि ज्या अमारी तमामे तमाम मनोकामना अमारा भगवान पूर्ण करे छे। अने अहीं आ मंदिर में अत्यारे प्रांगण में उभा छीए, पाछळ ज्यारे आपणा भाई श्री ने ए बतावशे तो आ रीते अमे गाममां मंडप बांधीए छीए, त्यांथी भगवान ज्यारे लईने आवशे पछी गामना अमारा ओवारु ए सामयु लईने जशे, અને પછી એમને પગનું ભગવાનના પગ પક્ષાલન થશે, ત્યાંથી ભગવાનને દરેક લેડીઝ પોતાના જે વસ્ત્ર પહેરેલ હોય ભગવાન કો જો શ્રીફળ ચડાતે હૈ वो सभी इधर इकट्ठा किए हुए हैं। और अभी ये सब जो नारियल है, श्रीफल है, इनकी प्रसादी बन रही है।
निकाल दिए है। तो ये जो श्रीफल है वो सब भगवान की प्रसादी में आए हैं। और देखो ये श्रीफल को भगवान की प्रसादी तैयार हो रही है। और ये सब लोग के वो सेवाई कर रहे हैं अपने आप। Yeah, I'm going to have to.